डुगदार पित करता। यदि भक्त के मन को दुग्ध की भांति निर्मल ना बनाए तो ये व्यर्थ है, ये अर्पण व्यर्थ है। क्योंकि संसार में न जाने कितने ही शिशु केवल भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विग्रह नहीं, अभी तो वो शिशु है जो निराश्रित है और उपेक्षित है। जब तक इस संसार में कोई भी शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भूखा और मेरी क्षुधा तभी शांत होगी जब उस निराश्रित शिशु को आहार मिलेगा। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं जीवन की विविधता में, मेरा सच्चा भक्त केवल मुझे ही पाएगा। और भक्त सदैव ये भी स्मरण रखेगा कि यही विविधता इस सृष्टि की विशेषता है। सभी को अपने मन और अपने विचारों के साथ इस संसार में वास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है और दूसरों के विचार, दूसरों के मन, दूसरों के दृष्टिकोण, दूसरों की जीवन पद्धति, दूसरों के धर्म की रक्षा करना है सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर सच्चिदानंद है, विकाल बाधित है, निरंतर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, आनंद के सागर है। ईश्वर ही सृष्टि के परम तत्व, निरंजन है, निर्विकार है, निर्गुण और निराकार है, साथ ही सगुण और साकार भी है। और वही संसार के सृजन करता, वही संहार करता भी है। सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी, और सर्व समर्थ भी है। कहिए, जहां न अमृत न विष न सुख न दुख न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा।